समाज सेवी मोहम्मद रब्बान ने कस्बे के सम्मानित लोगों के साथ गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। स्कूली बच्चों व विकलांग बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए। मोहम्मद रब्बान ने गणतंत्र दिवस पर स्कूली बच्चों के साथ अपने कार्यालय पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया और साथ ही मिठाई बांटकर गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। मोहम्मद रब्बान हमारा सेंटर विकलांग बच्चों के स्कूल पहुंचे और वहां भी उन्होंने बच्चों में गर्म कपड़े बांटे और बच्चों का दुख उनके साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि आज अपना देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, इस शुभ अवसर पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। उन्होंने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया और बताया कि प्राचीन सभ्यताओं से सरोबार भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमें अपने संविधान में निहित आदर्शों का अपने जीवन में आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान प्रदान करना चाहिए। यहाँ मदद की है, इस तरह से अगर लोग और भी आगे बढ़ पाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग आए हैं जिन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग का, सिलाई मशीन की ट्रेनिंग का काम दिया है और वो सहयोग कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब पूरा समाज चलता है। इन बच्चों को दिशा दिखाने की जरूरत है, ये तो खुद से उठ जाएंगे, खुद से बढ़ जाएंगे आगे। आज के वर्ल्ड में जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और यहाँ तक कि DM SDM की पोस्ट पर हैं, बैंकों में लोग काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ दिशा दे दें इनको तो बहुत आगे चले जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरह के लोग आएंगे तो हम इतना कहते हैं कि विदेशों को फेल कर देंगे, जैसे अमेरिका हुआ है ना, कनाडा हुआ, इनसे आगे हम लोग चले जाएंगे। अगर इस तरह से लोग उठ के आए हैं सामने कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं तो बहुत सहयोग होगा इससे, क्योंकि अकेले के बस का नहीं होता है, ये पूरे समाज का काम है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। केवल जी हम समाज को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा इसमें। आज कार्यक्रम भैया मेरी ओर से देशवासियों, प्रदेशवासियों और सब नगरवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। एक केले का जो मेरा स्टोर है वहाँ पे एक प्रोग्राम था, बहुत छोटा सा, बच्चे 60-70 बच्चे आए, उनको मैंने गरम जो कपड़े हैं जर्सी वगैरह वो दी। और वहीं पास में एक विकलांग बच्चे का जो है स्कूल है, उसमें जो है करीब 60 बच्चे जो है रहते हैं, उन्हें भी मैंने गर्म कपड़े दिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, आज मेरा मन बहुत खुश है और बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ मैं तो पूरे अपने पूरे कस्बे से कहूँगा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आके जो है ना इनसे मिलना चाहिए और इनकी सहयोग जो भी उनसे हो सके वो करनी चाहिए।